नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान विशेष में। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। इसमें अनेक ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती है जो चमत्कारिक गुणों से भरी होती है। ये चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे हमारे आसपास में ही होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम इसके गुण और फायदे से अनजान होते हैं। आज की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सारीवा की। सारीवा जिसे अनंतमूल भी कहा जाता है, हिंदी में इसे सारीवा, अनंतमूल, कपूरी, खालसा जैसे नामों से जाना जाता है। फॉल्स सार्सपरिला और इंडियन सार्सपरिला इसका अंग्रेजी नाम है और हेमिडेंसमस इंडिकस इसका वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों, अनंतमूल की एक लता होती है जो वृक्षों के आश्रित बहुत फैलती है। ये पंजाब, उत्तरी भारत के जंगल क्षेत्रों में लाल मिट्टी युक्त कीचड़ वाली पहाड़ी भूमि में तथा भारत के ज्यादातर इलाकों में पाई जाती है। आयुर्वेद में इसकी तीन प्रजाति का वर्णन मिलता है। इसमें से सारीवा, कृष्ण सारीवा और जम्बूपत्र सारीवा मुख्य है। ये लता ज्यादातर जमीन पर फैलती है। ये बहुत लंबी बढ़ती है और इसकी किसी भी शाखा को तोड़ने पर दूध निकलता है और चिकनी होती है। इसकी शाखाएं लंबी, चिकनी, अनेक और पतली तथा गोलाकार होती है। इसके पत्ते 3 से 4 इंच लंबे तथा जामुन के पत्तों के सदस्य होते हैं। इन पत्तों पर सफ़ेद रंग की लकीरें दिखाई देती है। इस लता पर दो दो जोड़े में विपरीत दिशा में फली लगती है। इन कच्ची फलियों को तोड़ने पर भी अंदर से दूध निकलता है। यह जब पूरी तरह पक जाती है और सूख जाए तब तोड़ने पर इसमें से रुई के समान रेशे निकलते हैं। इसकी जड़ें टेढ़ी मेढ़ी और लंबी होती है। दोस्तों, इस अनंतमूल के पत्तों को पीसकर दांतों के नीचे दबाने से ही दंत रोग नष्ट हो जाते हैं। जिन महिलाओं के छोटे बच्चे बीमार और कमजोर हो, उन्हें इस सारीवा के मूल का सेवन अवश्य कराना चाहिए। दोस्तों, इस अनंतमूल को बायोडिन के साथ रोजाना देते रहने से मृत्यु के मुख में हुए बच्चे भी नया जीवन पा जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो ये अमृत के समान गुणकारी है। दोस्तों, इस अनंतमूल सारीवा के चूर्ण को सुबह शाम रोजाना सेवन कराने से जिन स्त्रियों को गर्मी या और किसी वजह से गर्भपात हो जाता है या बालक का जन्म के समय ही मृत्यु हो जाता है, ऐसी स्थिति में उन स्त्रियों को अनंतमूल के शीतल कषाय का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। गर्भ ठहरने से लेकर बच्चे के जन्म तक इसका प्रयोग करने से गर्भपात होना बंद हो जाता है और गर्भपात का भय ही नहीं रहता। ये प्रयोग करने से अत्यंत निरोगी, हष्टपुष्ट और गौरवपूर्ण बालक पैदा होता है। दोस्तों, इस बेल के मूल का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में ले और इसका फांट या क्वाथ बनाकर 15 से 30 मिली की मात्रा में सेवन कराएं। इससे महिलाओं में होने वाला श्वेत प्रदर यानी सफ़ेद पानी की समस्या दूर होती है। दोस्तों, जिन लोगों को पथरी की समस्या हो, ऐसे लोगों को 5 ग्राम सारीवा मूल के चूर्ण को गाय के दूध के साथ मिलाकर रोजाना दिन में 2 बार पीने से पथरी टूटकर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, ये जड़ी बूटी आँखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। इस अनंत मूल के जड़ को बासी पानी में पीसकर या इसके पत्तों को जलाकर इसकी राख बना ले और इस राख को शहद के साथ मिलाकर आंखों में आंजने से आंखों की सूजन नष्ट हो जाती है। दोस्तों, इस अनंत मूल की जड़ को केले के पत्ते में लपेटकर भूबल में गर्म करें। जब केले का पत्ता जल जाए तो जड़ को निकालकर भुने हुए जीरे और शक्कर के साथ मिलाकर पीसकर गाय का घी मिलाकर सुबह शाम रोजाना सेवन करें। इस प्रयोग को करने से पेशाब और वीर्य संबंधी सारे विकारों का शमन होता है। सारीवा के मूल और अड़ूसा के पत्तों को मिलाकर इसका चूर्ण बना लें और इन दोनों को मिलाकर 2 से 4 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सुबह शाम रोजाना सेवन करने से सभी प्रकार के श्वास रोग नष्ट होते हैं। जिन लोगों के बाल जड़ रहे हो तो सारीवा के मूल का चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार पानी के साथ सेवन करें। इससे बालों का झड़ना जल्दी ही बंद हो जाता है। दोस्तों, सारीवा के जड़ का चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करें।
इस प्रयोग से संधिवात मिटता है। जिन लोगों की पाचन क्रिया मंद हो गई हो, ऐसे लोगों को 3 ग्राम सारीवा की चूर्ण को सुबह शाम गाय के दूध के साथ पिए, इससे पाचन क्रिया मजबूत बनती है। ज़्यादातर औषध कार्य में इसकी जड़ का ही प्रयोग किया जाता है।